जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण आज से आयोजित किया जा रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 15 देशों की 54 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें 39 लघु फिल्म, 6 फीचर फिल्म और 9 डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। विशेष बात यह है कि इसमें से 14 फिल्में स्थानीय फिल्म निर्माताओं की है। 2019 में फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण जम्मू में हुआ था। कोविड की वजह से 2 साल से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। उम्मीद द्वारा इस महोत्सव का आयोजन जम्मू क्लब में किया जा रहा है। महोत्सव के निदेशक राकेश रोशन भट्ट ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण है। हमारे पास 21 देशों से 140 फिल्मों की एंट्री आई थी। हमारे जज के पैनल ने इसमें से 54 का चयन किया है। किसी भी रीजन में कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता है तो वो उनके लिए एक गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन चांस होता है एक्चुअली, सही बताऊं तो, क्योंकि ये जो सिनेमा है, ये जो फिल्में हैं, ये जो एक पैकेज है, वो हर किसी को, खासकर यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए बहुत एक अच्छा माध्यम है। और क्योंकि मैं इंडिया के कई फेस्टिवल्स में, कई जगहों पर जा चुका हूँ, मेरा खुद का भी हरियाणा में रीजनल फेस्टिवल चल रहा है, मेरा भी खुद का फेस्टिवल एक ऑर्गेनाइज कर रखा है मैंने, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जहाँ भी, जिस भी रीजन में जो भी फेस्टिवल होता है, मैं हमेशा उसको बूस्टअप करने के लिए या उसको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अच्छा सिनेमा यंग लोग ही ला सकते हैं। और अच्छा सिनेमा पैसों से नहीं, पैशन से बनता है, जो रीजनल सिनेमा में बहुत ज़्यादा है। और आजकल रीजनल सिनेमा वैसे भी बहुत हाइप पर है। यशपाल जी, आपने एक डोगरी मूवी गीटिया में भी बहुत बेहतरीन कलाकारी की है। आपको यहाँ के नौजवान कलाकारों से मिलने का मौका मिला, कितनी प्रतिभाशाली यहाँ के नौजवान हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उनका भी डंका बजेगा? अरे बिल्कुल बजेगा। मुश्ताक काक जैसे सीनियर होंगे, सामने खड़े होंगे राहुल शर्मा जैसे डायरेक्टर होंगे, तनवीर डार जैसे को एक्टर होंगे, और इतने सारे बढ़िया बढ़िया, इतने कमाल के क्रीम एक्टर्स जिनको कह सकता हूँ मेरे साथ में थे गीटिया में। और उसके बाद जो पैशन देखा, और डोगरी फिल्म मेरे ख्याल से वो एक अकेली फिल्म है जो अभी तक जो सुपरहिट हुई है और जो हाउसफुल रही है, जिसका मतलब डंका बजा है, कई टाइम तक लगी रही वो और बहुत लोगों ने देखी जम्मू के अंदर। तो मैं तो मतलब उसको एक मानता हूँ कि एक अच्छा मील का पत्थर है, कि उसके बाद अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं पूरा वाकिफ नहीं हूँ। अब जाके मैं पता करूँगा और देखूँगा कि क्या है। आज बड़ा मौका मेरे लिए भी, बहुत मैं सीखने को मिलेगा। देखिए, ये नेपोटिज्म को लेके बहुत कुछ मीडिया के द्वारा कहा गया है, लेकिन अक्सर पिछले 40-50 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो आम घरों से, मिडिल क्लास घरों से जो लोग आए, उन्होंने अपना करियर सिनेमा में और फिर टेलीविज़न में अच्छे से बनाया है, वेब सीरीज़ में भी बना ही रहे हैं। तो मौके तो हैं। बाकी जो नेपोटिज्म को लेके बात है कि हाँ, ये तो हर फील्ड में होता है। एक डायमंड मर्चेंट का बेटा अपने डायमंड फैक्ट्री में ही सीईओ बन जाता है, अंबानी साहब अपने बेटे को ही सीईओ बनाते, ये तो होगा ही। जिस पिता ने एक वक्त पैसा वैसा खर्च करके प्रोडक्शन कंपनी खड़ी की, वो तो चाहेगा कि बेटा उसको भी देखे। तो उन लोगों के पास प्लस पॉइंट है जो ऐसी फैमिलीज में जन्म लेते हैं, लेकिन दूसरों के पास मौके नहीं है, ऐसा नहीं है। और कुदरत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कुदरत ने नए डायमेंशन इतने क्रिएट कर दिए। अब तो यूट्यूब पर भी छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, है ना, और नए OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो आम लोगों के पास भी मौके हैं, हर कोई अपने भीतर जो उसके अंदर कलाकार छिपा है उसको एक्सप्रेस करने का उसके पास प्लेटफॉर्म है। तो नेपोटिज्म से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, पब्लिक फैसला कर देती है ना।